हुआ आचार्य चाणक्य गुफा श्री गोवर्धन नाथ जी, तो उन्हीं का ये इतिहास से जुड़ा हुआ है और आकर रुके थे काफी। जो चाणक्य से नाम जोड़ा जाता है इस जगह को, उसके पीछे क्या कहानी? यहाँ गोवर्धन नाथ जी का मंदिर था चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा पे विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ आए जी। सो वेलकम बैक टू द चैनल, एक बार फिर से आ गए हैं आपके लिए कुछ नया लेकर। और अभी हम लोग हैं पटना सिटी के लगभग, इस इधर से आगे जाएंगे तो कंगन घाट पड़ेगा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा अनोखा चीज़ हमें पता चला है तो सोचे कि आपके साथ शेयर करें। वो अनोखा चीज़ क्या है वो आपको चल कर दिखाते हैं वीडियो में। अगर नए हैं चैनल पे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कीजिए। तो यहाँ से हमारा जो जर्नी है स्टार्ट होता है। एक्चुअली क्या है, पटना और बिहार में ऐसा ऐसा चीज़ है जो बहुत सारे लोग जानते भी हैं और बहुत नहीं भी जानते, तो वैसे ही एक चीज़ है जो हमें पता चला है तो सोचे कि उसके बारे में पता करके आपको भी बताते हैं और ले चल के दिखाते हैं। वो क्या है आपको चल के आगे पता चलेगा। भैया इधर चाणक्य का गुफा करके एक गली है, चाणक्य का गुफा सामने से, तो आपने कभी पढ़ा होगा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में। तो जी हाँ, उनका जो एक कह सकते हैं रहने के लिए जो घर था उनका, यहीं पे कहीं पे है, उसी को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। और एक्चुअल में हम लोग को भी नहीं पता था, कहीं से पता चला तो सोचे कि खोज कर दिखाते हैं और पूछ कर जा रहे हैं। अगर मे भी हो सकता है कि अभी वहाँ पे पानी लगा हो, अगर ऐसा ना हुआ तो वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो रास्ता काफ़ी नया है, हम लोगों को पता नहीं है, और एक भाई है जो हेल्प कर रहे हैं बताने के लिए, ले जा रहे हैं साथ में हम लोगों पीछे पीछे। और ये गली काफ़ी छोटा गली है और समझ में नहीं आ रहा इधर का रास्ता, फिर भी जा रहे हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेकिन मिट चुका है, चाणक्य की चाणक्य गुफा करके रास्ता, इधर एरो बना हुआ है थोड़ा सा दिख रहा है। तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं और कुछ दूर यहाँ से पैदल। तो आ गए हैं उस प्लेस पे जहाँ पे हम लोग खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये काफ़ी अंदर में है तो लोगों से पूछना पड़ा। और ये बेसिकली ये है जगह का जो एक इतिहास से जुड़ा हुआ है, मतलब इतिहास जो जिसको चाणक्य कहा जाता था, पाटलिपुत्र के जो नया साम्राज्य खड़ा किए उसमें उनका हमेशा नाम आया, तो उनसे ये जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है आइए आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि ये पहले के ज़माने में यहाँ पर आके रहे हैं, और यहाँ पर जर्जर स्थिति में है। यहाँ पे बोर्ड देख लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है आचार्य चाणक्य गुफा श्री गोवर्धन नाथ जी मंदिर धर्मशाला घाट पटना सिटी। इस प्राचीन सार्वजनिक स्थान का जन्नोद्धार पंडित शालिग्राम बद्रीनाथ मिश्रा ने इतना 2500 रुपये लगा कर किया है, जिसमें जनता का उपकार हो। यहाँ आचार्य चाणक्य जी ने विजय प्राप्त करने के बाद निवास किया था, मतलब कि जब पाटलिपुत्रा का पे उन्होंने विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू, तब यहाँ पर आके वो रुके थे। तो उन्हीं का ये इतिहास से जुड़ा हुआ है और आकर रुके थे, कहा जाता है कि यहाँ पर आके रुके थे, कुछ दिन रहे थे, फिर यहाँ से गए थे। और एक्चुअल में ये एक मंदिर हुआ करता था, और यहाँ पे विश्राम, जैसे मंदिर में आप लोगों को विश्राम गृह होता है, वैसा यहाँ पे था उस टाइम में। तो देख सकते हैं, मतलब इसका कंडीशन देख के आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद देख कर ही पता चलता है ये छोटा ईटा, अभी के डेट में जो ईटा आता है बड़ा बड़ा ईटा से घर बनता है, लेकिन उस टाइम में देखिए साइज इसका छोटा हुआ, पैदावा ईटा जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं कि इसको पैदावा ईटा कहा जाता है, तो उस चीज से ये बना हुआ है। और अगर बात करें इसका, सबसे प्लास्टर यह चूना मिट्टी का
बनाया हुआ है और हालत से तो पता ही चल रहा है कि कितना पुराना है। आइए, तो ये जो प्लेस आप मेरे बैकग्राउंड में आपको जो दिख रहा होगा, आपको बिलीव नहीं होगा कि ये, इसको चाणक्य की गुफा कहा जाता है। इसके पीछे मेन रीज़न ये है, चाणक्य की गुफा इसलिए कहा जाता है, जो हमारे चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार करके पाटलिपुत्र का राजा बना दिए थे, उन्हीं का ये स्टोरी है। और वही आकर मतलब यहाँ पे ठहरे थे, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा सुना जाता है इधर की, ऐसा हुआ था और यहाँ पे एक गुफा हुआ करता था जिसके बारे में थोड़ा सा कहानी है। हमारे साथ एक यहाँ के जो लोकल हैं, अंकल हैं, जो डिटेल में बता पाएंगे आपको कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ था। अंकल आइए आप। नमस्कार। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानना चाहते हैं, आप यहाँ के सारे लोग बताएं कि आपको डिटेल में पता होगा। मंदिर आगत था, मंदिर आगत मेन। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो चाणक्य से नाम जोड़ा जाता है इस जगह को, उसके पीछे क्या कहानी? यहाँ गोवर्धन नाथ जी का मंदिर था, उसमें चाणक्य की मूर्ति थी। ठीक है, ये मंदिर का दिन उधर। और कहा जाता है कि चाणक्य यहाँ आके ठहरे थे कुछ दिन। हाँ, विजय प्राप्त करने के बाद। कहाँ विजय प्राप्त करने के बाद? वो धनानंद से विजय प्राप्त करने के बाद जी। तो मतलब समझ सकते हैं, जो स्टोरी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चाणक्य जो तैयार किए थे उनको, चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके बाद फिर पाटलिपुत्रा पे विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ आए जी। अच्छा, और क्या स्टोरी है? और कहा जाता है यहाँ पे गुफा है चाणक्य के नाम से। चाणक्य गुफा बहुत पुराने समय में होगा, गुफा तो हम नहीं देखा है। अच्छा, लेकिन यहाँ चाणक्य जी की मूर्ति थी मंदिर से, चाणक्य की मूर्ति तो गायब हो गई है। अच्छा, मूर्ति तो गायब हो गई, लेकिन स्टोरी बेसिकली हम लोग स्टोरी को जानना चाहेंगे, थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। हाँ, तो वही स्टोरी है कि बताते हैं, पुराने जमाने में लोग बताते हैं कि यहाँ चाणक्य गुफा का मंदिर इसी में था। अच्छा, मंदिर इसी में था। मंदिर इसी में था, और जो टूट गया उसके बाद सामने मंदिर घाट का रास्ता था। अच्छा, दिखा दीजिए वहाँ पे सामने घाट का रास्ता था। ये घाट का रास्ता था, ये घाट का रास्ता था। अच्छा, नीचे जैसे सीढ़ी है उसी तरह इसके नीचे बड़ा चबूतरा है, और नीचे बहुत सा ऐसा सीढ़ी है। सीढ़ी है मतलब वो जो कि ढक गया पहले था। हाँ, वो सीढ़ी वगैरह देखा है? देखा, आपने देखा जी। वो अभी सब विलुप्त हो गया है। हाँ, ये सब, ये भी ढका हुआ था, ये तो उधर साफ हुआ है कुछ दिन पहले, तो कब्जा कर लिया है बाहर के अपना, कोई देखने वाला। और जैसे यहाँ पे आने के बाद देखकर ही जैसे अंकल लगता है कि किसी हम देख रहे हैं छोटा पुराने, हाँ, ये सब चीज देखकर लग रहा है कि ये आज का बना हुआ नहीं है। काफी अच्छा लगता है ऐसे जगह पे हमको विजिट करना, और हमारे इतिहास को थोड़ा सा जानने का मौका मिल जाता है कि इतना पुराना पुराना इतिहास से जुड़ा हुआ हमारा बिहार है। ये देखिए, ये पता नहीं शायद विश्राम गृह कह सकते हैं या पता नहीं क्या था, देखकर लग रहा है मतलब डिज़ाइन और आर्किटेक्चर देख के ही पता चल रहा होगा कि ये आज के ज़माने का नहीं है। और ये जो मंदिर है यहाँ पे, शिव जी का मंदिर है कहा जाता है, ये उस टाइम से अभी तक यहाँ पे है, एकमात्र मंदिर यही बचा हुआ है जो कि यहाँ पे है। इधर 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 भी पहले वो मंदिर हुआ करता था, विश्राम गृह इसी में ऊपर हुआ करता था। और मंदिर देख लीजिए, भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान है, और मंदिर, और ये इधर गुफा। और बताया जाता है कि पहले के टाइम में गंगा मैया यहाँ तक बहा करती थी। अभी तो है कि पूरा इधर घर घर आपको दिखाई देगा, घर है, रोड बन चुका है, लेकिन उस ज़माने में यहाँ पे गंगा यहाँ तक बहती थी। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ की लोकेशन की। अगर लोकेशन की बात करें तो पटना सिटी में कंगन घाट पड़ता है। कंगन घाट के पहले एक गली जाता है जिसका साहूजी गली नाम से फेमस है। आप किसी से भी पूछेंगे कि साहूजी की गली जाना है तो कोई भी आपको बता देगा। उस गली में आने के बाद आप पूछेंगे कि चाणक्य की गुफा, आपको कोई बता देगा। यहाँ पे हर किसी को पता है इस लोकेशन का के बारे में। आप यहाँ पे आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे बिहार का इतिहास से जुड़ा हुआ जो चीज है उसका क्या हालत है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर, गुड बाय।